बाखमुट के फ्रंट को लेकर एक खबर आ रही है। इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। बाखमुट में अब 3000 से भी कम लोग बचे हुए हैं। जंग के बीच शहर से चले गए हैं ज्यादातर लोग, आबादी यहां से जा चुकी है। यूक्रेन ने बाखमुट के उत्तर में कब्जे का दावा भी किया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है यूक्रेनी दावे को, हालांकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन सिरे से नकार रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे आखिर पिछले काफी समय से बाखमुट को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों ही ओर से पूरे कब्जे का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन किसके दावे में दम है, यानी हकीकत क्या है? क्योंकि एक तरफ तो वैगनर चीफ जो प्रिगोजिन है वो बार बार कहते हैं कि अब बाखमुट पर हमारा पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, अब ये रूस के कब्जे में है। लेकिन देखिए अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन भी अब बाखमुट पर कब्जे का दावा कर रहा है। हालांकि जो वैगनर चीफ है उन्होंने ऐसे किसी दावे को नकार दिया है, खारिज कर दिया है। एक्सपर्ट्स के पास भी जाएंगे और समझेंगे कि बाखमुट की ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों चल रही है। लेकिन उससे पहले बाखमुट के ताजा डिटेल्स पर जरा एक एक करके नजर डाल लेते हैं कि अभी फिलहाल यहां पर सिचुएशन है क्या। बाखमुट की बात हम बताएं आपको तो यहां पर अब 3000 से भी कम लोग बचे हुए हैं। बर्बाद हो चुका है एक तरीके से बाखमुट का पूरा इलाका। बाखमुट में बचे लोगों में 33 बच्चे भी शामिल है। कुछ बच्चे भी अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। बचे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ से लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जंग जो है वो बहुत ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। कुछ लोग बाखमुट छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर बार यहाँ पर हैं, वो अपना घर छोड़ने को नहीं जाना चाहते हैं। जंग से पहले शहर की आबादी कितनी थी? 70 से 80 हजार, और अब कितने लोग बचे हुए हैं? सिर्फ 3000 के करीब में। शहर के उत्तरी हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है, यह दावा भी किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर के पास रशियन फाइटर जेट को मार गिराया है। रशियन और यूक्रेन की सेना, दोनों ही मुल्कों की सेना यहां पर आमने सामने भिड़ंत कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। शहर के ज्यादातर हिस्से हमारे कब्जे में है, यह वैगनर चीफ प्रिगोजिन का दावा है। लेकिन यूक्रेन भी दावा कर रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि यहां पर हमने भी जीत हासिल की और यहां पर हमारा कब्जा भी हो गया है। अब रुक करते अपने एक्सपर्ट्स का, संजय भारद्वाज जी, बाखमुट की लड़ाई इतनी लंबी चलने का क्या कारण आप मानते हैं? और एक तरफ जहां वैगनर चीफ ये दावा कर रहे हैं कि अब बाखमुट का पूरा इलाका रूस के कब्जे में है, तो अब यूक्रेन की ओर से भी ये दावा होने लगा है, किसके दावे में सच्चाई है? देखिए, ये बात तो साफ है कि जो डोनबास रीजन है ये स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, कनेक्ट करता है ये चारों तरफ से, चाहे वो डोनास्क हो, चाहे वो मारियोपोल हो, या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, चारों तरफ से कनेक्ट करता है। तो एक मैसेज है कि बाखमुट किसके पास में, अगर बाखमुट रशिया और वैगनर आर्मी के पास में है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि रशिया को बढ़त मिल गई है और आगे स्ट्रेटजी बना रहा है। लेकिन ये मैसेज यूक्रेन देना नहीं चाह रहा, ये सारा जो खेल हो रहा है ये मैसेजिंग का ही हो रहा है। आप ये जो हम पहले भी बात कर रहे थे अमेरिका और रशिया के बीच में, ये भी एक मैसेजिंग है कि बात भी चल रही है लेकिन मैसेज सिंह सर, क्या लग रहा है ये जो दावा है नॉर्थ वाला, बहुत शॉर्ट में क्या खेरसा वाली स्टोरी रिपीट होती नजर आ रही है आपको यहाँ पर बाखमुट में? एग्जैक्टली, देखिए बाखमुट का देखो इंपॉर्टेंस ऐसे है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कई बोलते हैं कि कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट संजय भारद्वाज साहब ने कवर किया, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है, लॉजिस्टिक हब है, ट्रांसपोर्टेशन हब है, और दूसरा क्या है कि इसीलिए बखमुत छोड़ने को तैयार नहीं। वापस आऊंगा सर इसी पे, आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सारन बज गया है, उसका रुख करना होगा। लुहांस में रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला, रूसी सेना के घातक जमीनी और हवाई हमले हो रहे हैं। रशियन ऑपरेशन में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सर पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए, बखमुत को लेकर पिक्चर क्लियर है लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। दूसरा, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाखमुत को इसलिए यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जेलेंस्की ने बोला है कि यह हमारी एक मोराल के ऊपर है, मनोबल जो है हमारे देश का बाखमुत के ऊपर होएगा, क्योंकि मई से लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड का तादाद वहां पे लगा के रखा हुआ है, रूस का भी बहुत ज्यादा तादाद हुआ है, दोनों के लिए एक प्रेस्टीज बन गया है। अगर रूस इसको ऑक्यूपाई करता है तो उसको कीव के लिए एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का एक फ्री रन मिलता है। वैसे अपर हैंड किसका है बाखमुट में? बाखमुट में रूस का अपर हैंड है, वैगनर फोर्सेस ने
काफी हद तक उसका कब्जा किया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसके साथ कनेक्ट है सोलेडार, आज से 2 महीने पहले उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया। वो सिर्फ करीबन 14-15 किलोमीटर दूर है, तो ये सारी कनेक्टिविटी। लेकिन वैगनर ग्रुप में भी एक तरह से विद्रोह की आग भी धधक रही है।